हेलो। हाँ, आप क्या लोन लेने में इंटरेस्टेड है? अरे भाई नहीं चाहिए लोन मुझको, क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? सो गाइस, अगर आप भी हैं मेरी तरह स्पैम कॉल से परेशान, तो चलिए इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सो गाइस, सिंपली हमको अपना प्ले स्टोर ढूंढना है पहले। तो भाई प्ले स्टोर यहाँ पे है, कहाँ पे है? ओके, तो प्ले स्टोर हम सर्च कर लेते हैं और प्ले स्टोर मिल चुका है। और प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें सिंपली सर्च करना है TRAIDND 3.0, और सर्च करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा एप्लीकेशन का। तो सिंपली पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सो इंस्टॉल हो जाने के बाद हम सिंपली ओपन करेंगे और ये परमिशंस दे देंगे हम, और अलाउ कर देंगे जो भी ये मांगे वो। और अलाउ करने के बाद सबसे पहले आपको साइनअप करना होगा, और याद रखिए साइनअप तभी होगा जब आपने जिस भी नाम से सिम कार्ड लिया होगा वही नाम प्रॉपर आपको डालना होगा। तो ये ऑटोमेटिक ही आपके सिम के आपके मोबाइल के अंदर जो भी सिम कार्ड होगा नाम ले लेगा, और हम अपना नाम लिख देंगे जैसा हमारे आधार कार्ड पे था, और साइनअप कर देंगे। दोस्तों साइनअप करने के बाद हमें प्रोसीड कर देना है, और प्रोसीड करेंगे जैसे ही तो ये OTP मांगेगा, तो आपको OTP इसका फिल कर देना है और वेरीफाई कर देना है। OTP फिल करने के बाद हम इसे साइनअप करेंगे वेरीफाई, और ये वेरीफाई कर लेगा सिम कार्ड। और कुछ ऐसा पॉपअप आपको देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले जिसमें आपको रिपोर्ट वॉइस कॉल है, फिर रिपोर्ट SMS कॉल है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यूजी जो आपने कंप्लेन की है उसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, साथ ही साथ रजिस्टर स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो सिंपली हम पहले पे क्लिक करेंगे और ओके। तो जो भी आपके कॉल्स आए होंगे उसकी रिपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, और जो भी स्पैम कॉल होंगे उस पर आपको अलग से ही एक रेड कलर का डॉट देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, ये साइनअप करने के बाद अब से आपका जो भी कॉल आएगा अगर वो स्पैम कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, और जो भी स्पैम कॉल है उसमें आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे रेड डॉट आ जाते हैं, तो ये सारे ऑटोमेटिक ही कॉल बंद हो जाएंगे।